दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंची रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रधानमंत्री और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी आज शपथ लेंगे जगमोहन रेड्डी। जी हाँ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों वाईएसएसआर कांग्रेस प्रमुख जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन विजयवाड़ा के समीप आईजीएसी स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन 12:23 पर 46 वर्षीय नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रेड्डी की पार्टी में हाल ही में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि वाईएसएसआर कांग्रेस राज्य विधानसभा में 175 सीटों में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की है और साथ ही 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर हासिल की है। राज्यपाल नरसिम्हन दोपहर को हैदराबाद में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज ही रेड्डी अकेले शपथ लेंगे जबकि उनके मंत्रिपरिषद का गठन 7 जून को किया जाएगा। वहीं दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन में इसकी शपथ समारोह का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि रेड्डी आयुक्त प्रवीण कुमार के अनुसार आंध्र प्रदेश भवन के कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों, एक पक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय दानदाता एजेंसियां, उद्योग संघ तथा राष्ट्रीय कॉरपोरेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडियाओं के प्रतिद्वंदियों को भी निमंत्रित किया गया। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान के जैश के खिलाफ कार्रवाई, 6 आतंकवादी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में खूंखार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इसको प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस आतंकवादी संगठन का सरगना मसूद अजहर है जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के रोकने के लिए वैश्विक समुदाय लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर पर वैश्विक स्तर पर भी बैन लगा चुका है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने आतंकवादी रोधी विभाग को बताया था कि आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है और लाहौर के करीबन 130 किलोमीटर दूर गुंजरवाला में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी रोधी विभाग की टीम ने बताया है कि इसकी गिरफ्तारी जैश ए मोहम्मद के एक ठिकाने पर छापामारी के दौरान हुई है जिसके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का रंगारंग आगाज, क्वीन एलिजाबेथ से मिले सारे कैप्टन। जी हाँ दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, लेकिन एक दिन पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह बकिंगम पैलेस के पास स्थित प्रतिष्ठित लंदन मॉल में आयोजित किया गया है। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने यहां सभी टीमों के कप्तानों से मुलाकात की है और उन्हें टीमों के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। जी हां दोस्तों इस खास मौके पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि यहां आकर के बेहद अच्छा लग रहा है, यहां हमारे बहुत प्रशंसक हैं, यह दावा और गर्व दोनों की बात है, हम यहां मौजूद अपने समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वहीं इंग्लैंड के कप्तान योन मेगर्स ने कहा है कि हम कल के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कल का दिन हमारे लिए बेहद अहम है, हम यहां वहां आकर के गर्व का महसूस कर रहे हैं। जी दोस्तों इस मौके पर देश के प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदी भी मौजूद रहे, उन्होंने औपचारिक रूप से क्रिकेट खेली है। भारत की तरफ से पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले के अभिनेता फरहान अख्तर के साथ मिलकर के हाथ आजमाए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मलाला यूसुफ और अजहर, वेस्टइंडीज की तरफ से विलियम रिचर्डसन और धवाला योहान ब्लैक, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जैक्सन कैलिक और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेट ली, मेजबान देश की तरफ से क्वीन पीटरसन भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर मलाला ने कहा है कि हम अब देख सकते हैं कि क्रिकेट से ज्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को खेलों से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। मैं बचपन से क्रिकेट के लिए बहुत प्रशंसक हूं। मुझे लगता है कि यह क्रिकेट अलग अलग तरीके के संस्कृति से आने वाले लोगों को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सामाजिक योजनाओं पर पीएमओ की निगरानी हो की सकती है। जी हाँ दोस्तों सामाजिक योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने और संबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय सख्त निगरानी तंत्र बनाएगा। मंत्रालयों को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक, आर्थिक तथा मासिक रिपोर्ट योजनाएं देनी होगी।
शपथ ग्रहण के ठीक पहले ही मंत्रालयों को प्रमुख योजनाओं को गति देने तथा समयबद्ध लक्ष्य तरीके से निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2022 तथा 2024 के लिए लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालयों में नए मंत्री का इंतजार किए बिना प्रधानमंत्री को योजनाओं की प्रगति और भावी कार्य योजना में अवगत कराने के लिए प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह संभव हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सभी योजनाओं को प्रगति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बैठक करेंगे। आचार संहिता की वजह से जिन योजनाओं पर विराम हो गया था उन पर फिर से तेजी से काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की राहत देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को राहत राशि देने, गरीबों के लिए बनाए जा रहे आवासों की अगली किस्त जारी करने और आजीविका मुद्रा आदि के तहत ऋण उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं पर मंत्रालयों ने आगे का खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के बाद कश्मीर पूर्वोत्तर सहित राज्यवार योजनाओं को लेकर के विस्तृत खाका पर आधिकारिक रूप से चर्चा करेंगे। बंगाल में जुड़ी योजनाओं का खाका भी तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में ठप पड़ी आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं को गति देने का खाका बनाया जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं पर सरकार के संपर्क के साथ बढ़ाने के लिए खाका भी तैयार हो रहा है। पीएमओ पिछले सरकार के दौरान यह तय करेगा कि विजन पर मंत्रालयों के काम के आधार पर नौकरशाहों का परफॉर्मेंस तैयार करने की रिपोर्ट है। जिन मंत्रालयों का काम सुस्त पाया है उन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान वादों को आगे बढ़ाने के लिए भी मंत्रालयों को भाजपा के घोषणा पत्र के प्रति मिल चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1,00,000 रुपए तक के लोन पर 5,00,000 तक का ब्याज नहीं देने, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों या फिर छोटे व्यापारियों या छोटे दुकानदारों को पेंशन, 2024 तक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे 200 नए स्कूल खोले जाएंगे। सीमांत किसानों के लिए पेंशन के अलावा उनके घोषणा हो चुकी आयुष्मान भारत आवास योजना तथा बिजली और गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने का लक्ष्य, नया विजन तैयार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है पीएनबी घोटाला। नीरव मोदी को आज लंदन की कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी घोटाले में आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के भगोड़ा साबित हो चुका हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज एक बार फिर से लंदन की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में नीरव मोदी को भारत के प्रत्यर्पित करने के लिए सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई के दौरान ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी को बेल से रिजेक्ट कर दिया था। 19 मार्च को उसे स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर नीरव मोदी ने कैसे घोटाला किया। जी हां दोस्तों, नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने बैंक के कुछ कर्मचारियों को अपने साथ मिला लिया था। सीबीआई की जांच में पता चला था कि पैसे के लालच में बैंकों के कुछ अधिकारी बिक गए थे। बताया गया था कि पैसों की लालच बैंक के अधिकारी अपना कंप्यूटर उन्हें सौंप दिया, जिसमें नीरव मोदी के कर्मचारी खुद ही ऑनलाइन करते थे। कहा जा रहा है कि उनके कर्मचारियों का बैंक के डिजिटल सिस्टम को भी छेड़छाड़ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बाद एआईसीसी का सम्मेलन बुला सकती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश करने के बाद उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए पार्टी एआईसीसी का अधिवेशन भी बुला सकती है। पार्टी का कहना है कि इस सम्मेलन के जरिए राहुल गांधी को देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद का मौका भी मिलेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी में पारित किए गए प्रस्ताव पर एआईसीसी अधिवेशन में पास कराना जरूरी होता है। ऐसे में पार्टी जल्द ही एआईसीसी सम्मेलन का बुला सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश भर से एआईसीसी सदस्यों से सीधा संवाद करने का भी मौका मिलेगा। सम्मेलन में आने वाले करीबन 2000 कार्यकर्ता भी अपने बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 2004 में जब तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तब एआईसीसी सम्मेलन के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से दबाव नहीं डालने की अपील की थी। इसके बाद वह सामान्य हो गया था। पार्टी की उम्मीद है कि देश भर में आए कार्यकर्ताओं के सीधा संवाद करने के बाद राहुल गांधी अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 1 जून से संसद भवन में हो सकती है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता का चुनाव करने की संभावना भी हो रही है। इसके साथ ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष बन सकती है। पार्टी के कई नेताओं की मांग है कि मौजूदा हालात में राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता की जिम्मेदारी से संभालनी चाहिए। पार्टी के अंदर शशि थरूर और मनीष तिवारी का नाम भी चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची से बाहर हुआ रुपया। जी हाँ दोस्तों, भारत के बड़े आर्थिक सुधारों पर भरोसा जताते हुए अमेरिका ने अपनी मुद्रा निगरानी सूची से रुपये को हटा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार के कुछ कदमों को मौद्रिक नीति को लेकर के उसकी आशंका दूर हो गई है, लिहाजा भारतीय मुद्रा को निगरानी सूची से हटाने का फैसला किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा विनिमय दर नीतियों पर तैयार रिपोर्ट को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश करते हुए कहा है कि भारतीय
मुद्रा विनिमय अब स्थिरता आ रही है। ऐसे में अमेरिका को उसके साथ व्यापारिक जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 3 मापदंडों में सिर्फ एक ही भारत के प्रतिकूल पाया गया है। भारत के अलावा स्विट्जरलैंड को भी मुद्रा निगरानी से राहत मिल गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और स्विट्जरलैंड देशों को विदेशी मुद्रा क्रय में 2018 में गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान दोनों देशों को एक तरफा दखल देने का जिम्मेदार भी नहीं पाया गया था। आपको बता दें कि अमेरिका को जिन देशों ने विनिमय दर पर शक होता है उसकी मुद्रा निगरानी सूची से हटा देता है। इसमें अभी तक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका और वियतनाम जैसे व्यापारी सहयोगी भी इसमें शामिल हैं।